मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिक पेना नीटो और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर सहमत हो गए कि अमेरिका व मेक्सिको की सीमा पर बनाने वाले दीवार के भुगतान पर दोनों देश सार्वजनिक रूप से कोई बातचीत नहीं करेंगे। मेक्सिको सरकार की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि दोनों नेताओं के बीच फोन में रचनात्मक और लाभदायक वार्ता हुई। इस वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने मेक्सिको के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा और सीमा पार से अवैध हथियारों एवं मादक पदार्थों की तस्करी के मुद्दे पर बातचीत की। बयान के मुताबिक दोनों देशों के सीमा पर बनने वाली दीवार के भुगतान जैसे संवेदनशील विषय पर दोनों राष्ट्रपतियों ने माना कि उनकी राय पूरी तरह अलग है और इस मुद्दे पर सार्वजनिक बयानबाजी की जगह द्विपक्षीय चर्चा कर इसका हल निकालने पर सहमत हुए। तो वहीं दूसरी तरफ वाशिंगटन में ट्रंप ने कहा कि पेना नीटो से फोन पर स्वस्थ चर्चा हुई है। गौरतलब है कि ट्रंप ने मेक्सिको और अमेरिका के बीच सीमा पर दीवार के निर्माण संबंधी एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद कहा था कि इस दीवार के निर्माण में आने वाले खर्च को मेक्सिको को देना होगा। इसके बाद पेना नीटो ने अपनी प्रस्तावित अमेरिका यात्रा ट्रंप से होने वाली मुलाकात को रद्द कर दिया था। ट्रंप ने कहा कि टेलीफोन पर हमारी अच्छी वार्ता हुई, मैं मेक्सिको का सम्मान करता हूं और उनके लिए मजबूती से खड़ा हूं, लेकिन जैसा कि आप जानते दोनों देशों के बीच कई समझौते पर मेक्सिको अमेरिका पर भारी पड़ा है और हमारे पुराने नेतृत्व के रवैये के कारण वे हमें मूर्ख समझ रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच ही वार्ता दोस्ताना भरा रहा और वह भविष्य में मेक्सिको के साथ अमेरिका के व्यापार संबंधों पर फिर से बातचीत का इंतजार कर रहे हैं।